हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मधुश्री अर्निंग सपोर्ट में। दोस्तों, कीगो सेविंग्स अकाउंट के अंदर के वॉलेट लाइव हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को के वॉलेट में अपनी केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो को विदाउट स्किप किए अंत तक जरूर वॉच करना है, ताकि दोस्तों आप लोगों को अपनी केवाईसी करने में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को कीबो की अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो इस जगह अपनी यूज़र आईडी और इस जगह पासवर्ड फिल करके आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है और इस तरह से इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पेज आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को इसे क्लोज कर देना है। जैसे इसे क्लोज करेंगे, यहाँ पर आपकी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखेगी दोस्तों। ऊपर में आपकी नेम, यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर शो होगी और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों के वॉलेट। तो आपको सिंपली के वॉलेट पर क्लिक करना है। जैसे के वॉलेट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर केवाईसी वाली पेज ओपन हो जाती है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं के वॉलेट केवाईसी, तो यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपने डिटेल्स फिल करना है। उसके पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं टू डाउनलोड के वॉलेट ऐप क्लिक हियर। तो दोस्तों आप लोगों को के वॉलेट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसके लिए दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर प्ले स्टोर की ऑप्शन यदि आपको मिलती है तो प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। उसके बाद कैंसिल आती है तो आपको कैंसिल कर देना है। ये रीडायरेक्ट होकर प्ले स्टोर पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, के वॉलेट एप्लीकेशन आ चुकी है। तो आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, मैं इसे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। के वॉलेट एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों, आपको ओपन की ऑप्शन आ जाएगी। तो आपको सिंपली ओपन कर लेना है। तो ओपन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू वॉलेट, तो आपको लेट्स गो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर इंटर पिन कोड, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पिन कोड इंटर करने के लिए ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी एंटर कर सकते हैं और उसे दोस्तों आप लोगों को याद करना है, क्योंकि जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको वो पिन की ज़रूरत होगी। तो इसलिए पिन को याद रखना है, कहीं नोट करके रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पिन बना लेता हूँ। पिन बनाने के बाद दोस्तों, आपको इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कीबो आपको शो हो रही है, यहाँ पर लोगो देख सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, तो सेंड, रिसीव, स्वाप और बाय। तो आपको रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से रिसीविंग एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगी और क्यूआर कोड भी आपको यहाँ पर शो होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉपी के ऑप्शन, तो आपको सिंपली कॉपी पर क्लिक करना है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद ये रिसीविंग एड्रेस कॉपी हो जाती है दोस्तों। उसके बाद चले जाना है अपनी अकाउंट पर। तो अकाउंट पर आने के बाद दोस्तों, आपने जो रिसीविंग एड्रेस कॉपी किया था, आपको इस जगह पेस्ट कर देना है। तो इस जगह प्रेस करके रखना है और छोड़ देना है। पेस्ट की ऑप्शन आने पर आपको पेस्ट पर क्लिक कर देना है। रिसीविंग एड्रेस यहां पर पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, नीचे आप देख सकते हैं के वॉलेट रिसीविंग एड्रेस स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया होगा उसे आपको यहाँ पर अटैच कर देना। तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर आपको क्लिक करना है बॉक्स के अंदर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, फाइल की ऑप्शन आ जाएगी। तो आपको फाइल पर क्लिक करना है। जैसे फाइल पर क्लिक करते हैं, आप अपनी फोटो सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। तो जहां पर भी आपकी स्क्रीनशॉट होगी, आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर स्क्रीनशॉट अटैच हो चुकी है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं डन आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर अपनी मोबाइल नंबर डाल देना है, जिस मोबाइल से आपने रजिस्टर किया था। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। तो ये दोस्तों, मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल कर दिया। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं ईमेल, तो जिस ईमेल से आपने रजिस्टर किया था उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अपना ईमेल आईडी भी फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक आईडी कार्ड यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे आधार कार्ड। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है बॉक्स में। तो आप फाइल पर फिर से पहुँच जाएंगे और इस पर क्लिक करते ही आप फोटो सेक्शन पर पहुँच जाएंगे। जहाँ पर भी आपकी आधार कार्ड की फोटो हो, आप उसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए। ऐसा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मेरी आईडी प्रूफ भी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों, अपनी आईडी अपलोड करने के बाद तो यहाँ पर आप लोगों को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आर यू श्योर, प्लीज़ कन्फर्म दिस ऑपरेशन। तो आप लोगों को कन्फर्म कर देना है। जैसे कन्फर्म करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस के वॉलेट के वाई सी अपडेट सक्सेसफुली, अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको जो भी है मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे, ये डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। आपको इसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना है।
तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों ऊपर में देख सकते हैं KGIN। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ज्वाइनिंग डेट, एक्टिवेशन, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है और दोस्तों आप लोगों को माई डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे माई डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपकी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रेफर लिंक, तो आपको रेफर लिंक पर क्लिक करना है। जैसे रेफर लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी रेफर लिंक आ जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी व्हाट्सअप ओपन हो जाएगी, तो आपको व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। तो दोस्तों व्हाट्सअप ओपन होने के बाद आप चाहो किसी भी इसे रेफर कर सकते हैं, इस तरह से क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है तो सेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि वो की जो रेफर लिंक है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को अपना जो कीबो की लिंक है वो किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी चलता हूँ दोस्तों अकाउंट पर। तो आ चुका हूँ दोस्तों डैशबोर्ड पर। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को लाइव करके दिखा दिया कि किस तरह से आप लोग KeyWallet में अपनी KYC कंप्लीट करेंगे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।